अच्छी बात ये है कि बहुत सारी कैटेगरीज जो बाकी अवार्ड्स में नहीं होती हैं, तो कई ऐसी कैटेगरीज हैं जो इस अवार्ड में शामिल हैं, और अच्छे कलाकारों कलाकारों की सराहना होती है, और मुझे लगता है काफ़ी जेन्युइन अवार्ड है, और खुशी होती है इस बात की हमेशा जब भी अवार्ड्स में आईटी अवार्ड्स में आती हूँ, और इस बार तो काफ़ी खुशी क्योंकि लास्ट ईयर आईटी हुआ नहीं था, तो एक इंतज़ार भी था इस अवार्ड का, और उसमें एक एडिशन ऐसी है कि 20 साल हो गए, ये 20वां साल है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शशि जी और अनु जी और एंटायर आईटी अवार्ड की। आज आकर मैं देख रही हूँ बहुत सारे पुराने चेहरे हैं, बहुत पुरानी टीम है, और वही एंथुजियाज्म और वही एफर्ट्स है इस आईटी को सक्सेसफुल करने के लिए। खुशी होती है इन सब से मिलके जब भी मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और साड़ीज़ मेरा फेवरेट अटायर है, एंड आई विल टेल यू अबाउट माई साड़ी। दिस इज़ अ वेरी आई थिंक ये बहुत मेरी फेवरेट साड़ी है। आज बहुत दिस इज़ अ रितु कुमार क्रिएशन एक्चुअली, और शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइनर्स, और साड़ीज में शी इज़ वेरी स्पेशलाइज, और मुझे खुशी होती है जब भी मैं उनके कपड़े पहनूँ, एंड या दिस इज़ माई फेवरेट साड़ी। मैं मेरे सारे फैंस को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आज इतने साल हो गए, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 10 ईयर्स कि लोग आज भी सलोनी को जानते हैं और पहचानते हैं। खैर उसके बाद भी काफ़ी किरदार मैंने किए, उन सारे किरदारों को मुझे वैसा ही प्यार और वैसी सराहना मिली, और उम्मीद करती हूँ कि ये प्यार ऐसा ही बरकरार रहे। सारी महिलाओं को, खैर मुझे लगता है कि महिला दिन एक कोई नहीं रहता, हर दिन महिला दिन होता है, क्योंकि उसके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। घर में तो वही है, बाहर भी वही है, और आज की महिलाएं तो आई थिंक क्या कहना, सब कुछ कर सकती हैं, एंड आई थिंक आई विश ईच एंड एवरी वुमन अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। आई थिंक महिला शक्ति है, और क्या है? I think I'm done. Thank you. Thank you so much.